सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाउ 30 और S&P 500 में एक मार्जिनल अपसाइड को देखने के बाद अगर हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स की ओर रुख करते हैं तो यहाँ भी हमें एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल जाता है। इंडिया में कोरोना वायरस रिलेटेड केसेस काफी तेजी से बढ़ने की वजह से कल भी हमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम इंडियन ADR लेवल की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली आपको सभी स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते कल भी आपको इन सभी स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली इन सभी स्टॉक्स में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें कल आपको एक बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। लिस्ट में जो पहला स्टॉक है, इसमें आज हमें ट्रेडिंग आवर्स के दौरान एक भारी गिरावट देखने को मिल जाता है। स्टॉक ने अपने मेजर EMA लेवल्स के नीचे आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ को देख सकते हैं, जिसके चलते कल भी हमें इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक का नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। व्हीकल फाइनेंसिंग सेगमेंट में ये एक मार्केट लीडर है, लेकिन करंट सिनेरियो में ऑटो सेक्टर डाउन होने की वजह से और लॉकडाउन के चलते हमें इस स्टॉक में एक भारी गिरावट एवरीडे बेसिस पे देखने को मिल जाता है। आज हम इस स्टॉक में 16.5% का एक गिरावट को देख पा रहे हैं और इसके ऑर्डर बुक में भी हमें इसके सेलर साइड में काफी ज्यादा क्वांटिटी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी एक सेलिंग प्रेशर को देख सकते हैं और हमें यहाँ पे इसके ओपन इंटरेस्ट में भी एक बढ़ोतरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब बातों को कंसिडर करते हुए आप कल के लिए स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, इसमें भी आज हमें ट्रेडिंग आवर्स के दौरान एक गिरावट देखने को मिल जाता है। स्टॉक ने अपने VWAP लेवल और मेजर EMA लेवल्स के काफी नीचे और अपने इंट्राडे लो के आसपास अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ को देख सकते हैं, जिसके चलते कल अगर मार्केट में एक गिरावट हमें देखने को मिलता है तो ये स्टॉक भी हमें नीचे की ओर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक का नाम है HDFC लिमिटेड। ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर होने के बावजूद हमें पिछले 3 महीनों में इसमें ऑलमोस्ट 40% के आसपास एक गिरावट देखने को मिल जाता है। आज हम स्टॉक में 10.83% का एक गिरावट को देख पा रहे हैं और हमें इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी यहाँ पे बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 80-90 times सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप देखने को मिल जाता है। तो इसके चलते कल आप इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टॉक है, इसमें भी आज हमें ट्रेडिंग आवर के दौरान ऑलमोस्ट 10% का एक गिरावट देखने को मिल जाता है। स्टॉक ने पिछले 2 महीने पहले 200 के लेवल के आसपास अपना हाई फॉर्म किया था, जिसके बाद हम इसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे एक गिरावट को देख पा रहे हैं। इसके दूसरे इंडिकेटर्स में भी हमें ये सेल ऑफ आगे एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कल आपको स्टॉक में फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर, जिसने आज 79.35 के लेवल्स पे अपना लो फॉर्म करने के बाद इसके जस्ट ऊपर 80 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हमें इसके ऑर्डर बुक में अभी भी सेलर साइड में 14,000 से भी ज्यादा स्टॉक देखने को मिल जाते हैं और इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी हम यहाँ पे बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 10 times सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमें इसके ओपन इंटरेस्ट में भी एक बिल्डअप देखने को मिल जाता है, यानी कि हम इसमें 23% का एक उछाल देख पा रहे हैं। तो आप इसे देखते हुए कल जिंदल स्टील को भी अपने वॉच लिस्ट में सेल साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्टॉक है, इसमें भी आज हम ट्रेडिंग आवर्स में एक भारी सेल ऑफ को देख सकते हैं। स्टॉक ने काफी दिनों बाद अपने
मेजर ईएमए लेवल्स के काफी नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हमें इसके दूसरे इंडिकेटर्स में भी एक सेल ऑफ आगे एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आगे भी आपको इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की तरह ये भी ऑटो सेगमेंट में एनबीएफसी की तरह काम करता है, यानी कि ऑटो लोन्स प्रोवाइड करता है। करंट सिनेरियो में लॉकडाउन और ऑटो सेक्टर में स्लोडाउन के चलते आपको इस स्टॉक में पिछले दो महीनों में एक भारी गिरावट देखने को मिल जाता है, और आज हम इस स्टॉक में एक फ्रेश 52 वीक लो को भी फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। अभी हमें इसके ऑर्डर बुक में एक सेलिंग क्वांटिटी देखने को मिल जाता है, और हम इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी यहाँ पे बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में 3 टाइम सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो इसे देखते हुए कल आप महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज को भी सेल साइड के लिए अपने वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। डाउ जोन्स और S&P 500 में एक साइडवे ट्रेंड को देखने के बाद अगर हम निफ्टी के आज के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पे आज फिर से हमें एक गिरावट देखने को मिल जाता है। इसने अपने 9 डेज के क्रूशियल ईएमए लेवल को ब्रीच करते हुए डाउनसाइड में 8289 के लेवल्स पर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके आरएसएल लेवल में भी एक गिरावट को देख सकते हैं। करंटली ये 32.97 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस रिलेटेड केसेस 1000 से ऊपर जा चुके हैं, तो इसके चलते आगे भी आपको मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर हम इसका जो वीकली ऑप्शन चेन डेटा है उसकी ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पे हमें करंटली इसके पुट साइड में 8200 के लेवल्स पे 45,000 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम इस लेवल पे 2.3 लाख 850 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें 8200 के लेवल्स पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम नीचे के लेवल्स की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पे हमें 8000 के क्रूशियल लेवल्स पे 44,700 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई देगा, और हम इस लेवल पे 10,38,900 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो करेंटली हमें डाउन साइड में 8000 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है, तो आपको कल मार्केट 8000 के लेवल्स के आसपास सेटल होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके बाद कॉल साइड में चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे हमें 8300 के लेवल्स पे थोड़ा सा कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में एडिशन देखने को मिल जाता है। हम इस लेवल पे 1.28 लाख 850 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक एडिशन को देख पा रहे हैं। तो कल के लिए आप 8300 के लेवल्स को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अगर कल ये लेवल ब्रीच होता है, तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे 8400 का लेवल दिखाई दे सकता है, क्योंकि करंटली हम इस लेवल पे 2.83 लाख 275 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं, और हाईएस्ट साइड में हमें 8500 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ भी आज हमें निफ्टी की तरह एक गिरावट देखने को मिल जाता है। इसने भी आज अपने 9 डेज के ईएमए लेवल के नीचे अपना ओपनिंग देने के बाद कंटिन्यूअस बेसिस पे काफी नीचे के लेवल्स पे 18,759.7 के लेवल्स पर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हमें इसके आरएसआई लेवल में भी एक गिरावट देखने को मिल जाता है। करंटली ये 30 के नीचे आ चुका है। हम इसे करंटली 28.92 के लेवल्स पर देख पा रहे हैं, जिसमें कल भी आपको एक गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर हम इसका जो वीकली ऑप्शन चेन डेटा है उसकी ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पे हम इसके पुट साइड में 18,500 के स्ट्राइक पे 10,980 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक एडिशन को देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें टोटल 52,860 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप देखने को मिल जाता है। तो कल के लिए आप 18,500 के लेवल्स को एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसके टूटने पे हमें नेक्स्ट सपोर्ट 18,000 के लेवल्स पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इस लेवल पे करंटली 1.42 लाख 740 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो आप डाउन साइड में 18,000 के लेवल्स को कल के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे हमें 18,500 के लेवल्स पे ही इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में एक कॉन्ट्रैक्ट्स के एडिशन देखने को मिल जाता है। तो आपको कल 18,500 के लेवल्स पे भी बैंक निफ्टी में एक मार्जिनल रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब होता है, तो हमें इसमें थोड़ी सी अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है।
उस सिनेरियो में हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे 19,000 के लेवल्स को देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें इस लेवल पे 56,640 कॉल कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे टोटल 96,620 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो कल के लिए आप 19,000 के लेवल्स को हायर साइड में एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। With this, we will end this video. If you like it, give it a thumbs up and share it across social media. In case you are new to this channel, consider subscribing and turn on the notification bell so you will never miss out any update from us. Thanks for watching and I'll see you in my next video. Until then, happy investing.